हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं चैंपियन ब्लॉग्स। तो आज मैं आया हूँ टाटा मोटर्स गोरखपुर आरकेएल मोटर्स पे, जो कि गीडा में है, और आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स में आया हूँ। और मैं आया हूँ यहाँ पे क्योंकि टाटा अल्ट्रॉज, जो आपने पुरानी ब्लॉग देखी हुई तो पता होगा, विशाल ने टाटा अल्ट्रॉज ली थी, इसकी थर्ड और मेजर सर्विस है और पहली मेजर सर्विस है। तो इस वीडियो में आपको, इस ब्लॉग में आपको ये बताऊंगा कि मेजर सर्विस में कितने कॉस्ट खर्चे आते हैं, क्या आता है। वैसे तो ये फ्री सर्विस होगी, लास्ट फ्री सर्विस है, एक साल होने वाली इस गाड़ी की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के इंस्पेक्शन के लिए, और टाटा मोटर के एग्जीक्यूटिव आएंगे या फिर कोई मैकेनिक आएंगे, तो गाड़ी को चला के पहले टेस्ट करेंगे कि क्या कमी है क्या नहीं, जो हमने लिखवाया वो सही है कि नहीं है। तो चलिए चलते हैं इंस्पेक्शन पे। तो हमारी गाड़ी का इंस्पेक्शन हो चुका है और हमारे जो इशू थे सारे मैंने नोट डाउन करवा दिए हैं। और ये आप देख सकते हैं थर्ड फ्री सर्विस है, तो लेबर चार्ज एग्जम्प्ट हो जाएगा, बट ऑयल इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर चार्जेस चार्जेबल है। तो अप्रॉक्स उन्होंने बताया कि 4000 तक कॉस्ट आएगी। तो अब गाड़ी भी तो वेट कर रहे हैं हम लोग का, आप देख सकते हैं 9 नंबर पर है। तो टाइम आता है तो फिर सर्विस का मैं आपको दिखाता हूँ फिर कैसे क्या होता है, तो बने रहिए वीडियो में। तो गाड़ी की सर्विस होना स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर फिल्टर निकाल दिया गया है। एयर फिल्टर ठीक है यार, लेकिन काफ़ी डस्ट है, तो बोले चेंज करा लीजिए एक बार। थर्ड सर्विस में पहली बार चेंज हो रहा है, तो चलिए चेंज करा लेते हैं। देख सकते हैं आप कितना डस्ट निकल रहा है इसमें, और गाड़ी में कुछ पता नहीं लग, नॉर्मल थोड़ी बहुत टेपिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर उन्होंने बताया। और देखते हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं। थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही थी कैबिन में, उन्होंने बताया कि उसको सही कर देंगे। और फ्यूल, जो फ्यूल टैंक में कैप है वो थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा सही से, तो उसको भी सही करना है। तो तीन चार छोटे छोटे माइनर दिक्कतें हैं गाड़ी में, उसको सही करना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, 2 घंटे में सर्विस हो जाएगी गाड़ी। तो नॉर्मल सर्विस है, कुछ गाड़ी एकदम नहीं है, एकदम कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो गाड़ी की अलाइनमेंट भी हो रही है, अलाइनमेंट थोड़ी सी लेफ्ट साइड की तरफ भाग रही थी, तो उसको भी चेक किया जा रहा है। तो ये हमारा एयर फिल्टर, जो कि इसके प्राइस है 860 रुपीज़, और ये है ब्रेक फ्लूइड। तो ये है ऑयल फिल्टर, 171 रुपीज़ का। ये एकदम मार्केट प्राइस पर नहीं मिलता, थोड़ा बहुत कम में मिलता है, बट वो बोल रहे हैं ऐसे रिटेल के लिए इसमें प्रिंट किया गया है, और ऑयल फिल्टर भी चेंज हो गया है। तो ये हमारी मोबाइल जो आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूल फिल्टर कैप है, आप लोगों को 3.75 लीटर तक मोबाइल है, और ये कैस्ट्रॉल की मोबाइल है, सर्विस जो मैकेनिक है उन्होंने बताया। देखते हैं, वैसे तो ये चल रहा 020 में आता है शोरूम में, तो बल्क में आएगा इसलिए बड़े गैलेंस आते हैं, जैसे गैलन में डाल रहा हूँ। तो मुझे तो उम्मीद था कि वो कैस्ट्रॉल के जो छोटे छोटे डब्बे आते हैं उस पर डालेंगे, चलिए कोई बात नहीं है, वैसे वो कैस्ट्रॉल की। और ये गाड़ी हम लोग शोरूम से बाहर निकल चुके हैं, गाड़ी पूरी से सर्विस हो चुकी है और गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू जैसे होगी, एकदम मक्खन चल रही है। विशाल भी बताया कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है विशाल? बहुत बढ़िया, मतलब मच बेटर, जो सारी एकदम नई जैसी फील आ रही है, जो सारी गर्मी थी वो सारी एकदम जी खत्म हो चुकी है। थोड़ा बहुत आवाज़ जो था कैबिन में आ रहा था वो भी एकदम घना के बराबर हो गया है, और बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तब मेन पॉइंट पर आते हैं, कितना खर्च पड़ा थर्ड सर्विस में, तो मैं आपको बिल भी दिखा दूंगा। और अब
चलिए मैं आपको बिल साथ में बिल दिखाते हुए मैं बताता हूँ कितना अप्रॉक्स खर्च पड़ा। और सबसे उससे पहले मैं मेरा जो सर्विस एक्सपीरियंस रहा, चाहे विशाल का सर्विस एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे टाटा मोटर्स आर के एलगीडा में, काफ़ी अच्छा रहा। जो हमारे सर्विस एडवाइज़र थे आदित्य, उन्होंने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया, उन्होंने सभी चीज़ गाड़ी का अच्छा डिटेल्स चेक किया, टेस्ट किया, उसके बाद से बताया क्या क्या कमी है, मेरी बात सुनी, विशाल की बात सुनी, तो काफ़ी अच्छा सर्विस रहा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं कि कितना खर्च आया इस पर। तो टोटल 3400 रुपीज़ का खर्च आया हमारा, और 3400 में आप देख सकते हैं ये है इनवॉइस सर्विस की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इंजन ऑयल जो है वो समथिंग अराउंड 2019 रुपीज़ का है। उसके बाद जो ऑयल फिल्टर है 171, जैसे कि मैंने दिखाया था MRP, उतना ही चार्ज किया उन्होंने। और एयर फिल्टर जो है 611 रुपीज़ चार्ज किया इन्होंने, जो कि समथिंग अराउंड प्रिंट था 870 के करीब प्रिंट था बॉक्स पे। उसके बाद जो फ्रंट पे अलाइनमेंट है उसका इन्होंने 601 रुपीज़ चार्ज किया है, बाहर में 300 रुपये हो सकता था बट इन्होंने फ्रंट व्हील अलाइनमेंट का 601 चार्ज कर दिया है। इसका आइडिया नहीं था अपने को भी कि 600 चार्ज करेंगे, तो ये हमसे भारी मिस्टेक हो चुका है कहते हैं ना, वो ब्लंडर हो गया, वो वाला हो गया। उसके बाद फ्री सर्विस था तो लेबर चार्ज नहीं लेगा, अगर फ्री सर्विस नहीं अगर पेड सर्विस है तो जैसे सर्विस एडवाइज़र ने हमने बताया आदित्य जी ने, उन्होंने बताया 1700 रुपीज़ लेंगे। तो अब अप्रॉक्स जोड़ लीजिए गाड़ी का, मतलब ये अलाइनमेंट वाला थोड़ा कॉस्टली है, अगर कार वॉश अगर ये फ्री सर्विस नहीं होता तो कार वॉश का भी 600 रुपीज़ चार्ज करते हो, तो ये फ्री सर्विस था तो इसलिए कार वॉश करने ही लगा। तो समथिंग अराउंड 3400 हमारा बिल आया है, और अगर हम पेड सर्विस होता तो ये अलाइनमेंट ना करवाते तो भी 5000 रुपीज़ मांग के चलते हैं कि अप्रॉक्स सर्विस आएगी इसकी, मेजर सर्विस में माइनर में शायद समथिंग अराउंड 2000 तक आए। तो ये था इनवॉइस, और आप अप्रॉक्स लगा ही सकते हैं, अंदाज़ लगा लीजिएगा अब आपकी कौन सी टाटा की गाड़ी है। तो नॉर्मल इतना ही खर्चा आएंगे सारी गाड़ियों में भी, हैरियर का भी एक बंदे ने सर्विस कराया था तो उतना ही लगभग लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी दोपहर के 3 बज गए हैं और सुबह से हम लोग निकले हैं तो भूख भी लगी है, तो साहिल हम लोग नेक्स्ट स्टॉप पे किसी खाने वाले जगह पे रुकते हैं। और इस ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो और लास्ट में मैं ये भी करना चाहूँगा कि ओवरऑल टाटा का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है, साहिल का भी काफ़ी अच्छा रहा, साहिल यानी विशाल पहले ही बता चुका, फिर से याद दिला दे रहा हूँ आपको, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सवा गए नेक्स्ट ब्लॉग।